चौदह एवेन्यू में रहने वाले यूसुफ उर्फ भाड़ू सूरत घर के नीचे आए। हिना एवेन्यू में रहने वाले यूसुफ भाड़ू सूरत बिल्डिंग के नीचे आए। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है, ये परिसर में ठेला लगाने के लिए यूसुफ नामक व्यक्ति आप लोगों से पैसे मांगता है, इस तरह से हमें खबर मिली है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके लिए महानगर पालिका में कुछ जगह रिजर्व की गई है, वहाँ पर आप ठेले लगाइए। और बाकी टाइम भी अगर आप यहाँ पर लॉकडाउन के बाद भी अगर ठेले लगाते हैं तो भी आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। यूसुफ भाड़ू या उसके जैसे और जो लोग हैं जो ठेला लगाने के लिए आप लोगों से पैसे मांगते हैं तो उसके बारे में हमें सूचित किया जाए, हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। उसके ऊपर नया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। यूसुफ भाड़ू और इनके जैसे लोग सावधान हो जाए, अगर आप गरीबों से परेशान करके पैसे मांगते हैं इसे आपके खिलाफ एविडेंस मिलेगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों ने ठेला लगाने वालों ने ध्यान दीजिए, आपको दिए हुए जगह पे आप ठेला लगाइए और आपको ठेला लगाने के लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। यूसुफ भाड़ू हो या और उनके जैसे कोई लोग उसके बारे में हमें कंप्लेंट करे, हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सभी लोग ध्यान दे, जितने सारे लोग देख रहे हैं तो सभी लोग ध्यान दो। यूसुफ क्या नाम तुम्हारा? यूसुफ शेख। होगा आवेदन रहते हो, क्या उम्र आपकी? उम्र क्या आपकी? उम्र क्या है? उम्र 55 साल है ना? यूसुफ शेख आप ठेले वालों के पास में पैसा मांगते हो ऐसा हमने सुना है। आप लोगों से निवेदन है, ये आदमी को किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये जो व्हाइट शर्ट में हमारे गाड़ी के पास में खड़ा आदमी है यूसुफ नाम का, उसको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद ये या कोई और लोग इसके नाम से आपके पास में पैसा मांगते हो तो आप लोग बिना झिझक के परिषद में आ सकते हो। इसके जैसे आदमी को आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में है। और यहाँ पे रिलर पार्क में जिस तरह से भर्ती होती है, अगर कोरोना पे काबू करना है तो आप लोगों को हमारा साथ देना जरूरी है, न कि इसके जैसे आदमी का साथ देना जरूरी है। आपको धंधा करना है, आपके लिए ग्राउंड अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे ठेला लगाने की दाल सब्जी लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आज बारिश में खाली आपका माल जब्त किया है, कल चल के माल भी जब्त होगा और आपका हाथ खोला जो है उसके ऊपर भी सख्ती कार्रवाई हो जाएगी। ध्यान में रखना आप लोग, आप लोग हमें से उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं, आप इनके जैसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, कानून प्रशासन का पुलिस प्रशासन का साथ देना चाहिए। वापस एक बार बोल रहे थे यूसुफ शेख नाम का आदमी आपके पास में 100 रुपए मांगता है, उसके लोग अगर 100 रुपए मांगते हैं आप ठेला लगाने के लिए सब्जी भाजी लगाने के लिए आप लोगों को इसको बिल्कुल पैसा देना नहीं है। आपके लिए जगह अवेलेबल है, एमबीएमसी ने आपको जगह दी है, वहां पर जाके आप अपना धंधा कीजिए। अगर बाकी टाइम में आपके 500 रुपए धंधा होता था वहां पर जाकर 300 रुपए धंधा होगा, 200 रुपए कम होगा लेकिन सम्मान से धंधा होगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगाते हो यहाँ पे धंधा, तो अभी बचपन पुलिस को कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोग दूर से यहाँ पे आए हो, पुलिस प्रशासन को हेल्प कीजिए। धन्यवाद। हो गया उम्र, समझा ना, सुना मेरी बात। आपका जो आज मार्ग बढ़ रहा है लेके जाऊंगा पुलिस।
यूसुफ शेख नाम के आदमी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके जैसे भाई से लोग रहते हैं जो पैसा मांगते हैं मेरे घर के, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसको एक रुपया कुछ भी पैसा देने की जरूरत है, कोई पैसा मांगता है आप विधायक पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेट कर सकते हो, उनके ऊपर कानून कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल GEB News, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।